हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो CS12। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C। सेक्शन 194Q आपका इफेक्टिव डेट कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो 1 जुलाई 2021 में ये एप्लीकेबल हुआ था। एंड सेक्शन 200C आपका 1 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ है। ये मतलब लेटेस्ट सेक्शन है, नए सेक्शन आए हैं। तो पर्पस क्या है इन दोनों का, ये TDS पे लगता है, मतलब डिडक्ट करते हैं टैक्स यहाँ पे, और 206 में हम कलेक्ट करते हैं टैक्स को। ठीक है, कौन कलेक्ट करेगा, कौन डिडक्ट करेगा, यहाँ पे बात करते हैं किसके ऊपर अप्लाई करता है। ये परचेजर और बायर के ऊपर अप्लाई करता है सेक्शन 194Q, और जो 206C है वो सेलर के ऊपर अप्लाई करता है। फिर अच्छा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर TDS एंड TCS, TCS कौन काटेगा, TDS कौन काटेगा यहाँ पे, तो बायर काटेगा TDS, बायर विल डिडक्ट TDS ऑफ सेलर, मतलब जो सेलर है उसका TDS कट रहा है यहाँ पे। कौन काट रहा है, जो परचेजर है वो काट रहा है। और सेक्शन 206C में आपका सेल से रिलेटेड होता है, तो सेलर क्या करता है, कलेक्ट करता है TCS फ्रॉम बायर, तो सेलर कलेक्ट करेगा TCS फ्रॉम बायर। फिर उसके बाद वेन, कब हमें काटना चाहिए, कब ये अप्लाई होगा, तो ये कब अप्लाई होगा, जब हमारी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट या फिर सेल फ्रॉम द बिजनेस ऑफ बायर शुड एक्सीड 10 करोड़। 10 करोड़ से अगर आपकी ज़्यादा सेल है, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखना है आपने, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आगे आप बात करते हैं कि अगर आपकी परचेज एग्रीगेट परचेज जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, तब आपने काटना है। ठीक है, पहले तो आपकी टर्नओवर एक तो होनी चाहिए, और प्लस जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हैं, मतलब जो आप परचेज कर रहे हैं, तो वो जो है आपकी वो एक्सीड करनी चाहिए 50 लाख से। ऐसी सेम है इधर 206C में, यहाँ पे क्या बोला है, सेल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट अगर सेलर की 10 करोड़ से बढ़ जाती है, 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में उसको TCS काटना है, किस पे बायर का काटना है, बायर से कलेक्ट करना है टैक्स। फिर आती है सेल कंसिडरेशन, अगर आपकी सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर है तो आपने कलेक्ट करना है उस पर्सन से जिस पर्सन को आपने सेल करी है 50 लाख से ऊपर की। ठीक है, अब केस रेट से काटेंगे 0.1% ये रेट एप्लीकेबल है दोनों के केस में, लेकिन अगर पेन नहीं है तो आपको 5% काटना है सेक्शन 194Q में, और 1% काटना है सेक्शन 206C आपने में 1% काटना है। एंड डिडक्टी और कलेक्टी दोनों आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल चाहिए, और क्वार्टर स्टेटमेंट आपने फाइल करनी है फॉर्म 26Q एंड 27EQ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।